मंजुल जी अगर आसानी से समझ में आ गए तो बात क्या है। देखिए जी ये अश्विनी जी है, अगर ये ना होती तो ये उपाऊ हो जाता जी। बॉडी वर्ल्ड, वर्ल्ड बॉडी, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और एक इमेज बनाते हैं, विजुअल इमेज बनाती है, और वो इमेजेस जुड़ती हैं तो नहीं कहना चाहिए बल्कि 90% एब्स्ट्रैक्ट आपने बनाई। उस एब्स्ट्रैक्ट को याद रखना बिना क्यों के असंभव, और उन्होंने संभव बनाया। एक तो मैं बधाई देता हूँ, कुछ लोगों की जो शिकायतें हैं वो इतनी नाजायज भी नहीं। बिल्कुल सही, वो नाजायज इसलिए नहीं है कि कंटिन्यूटी में कहीं ना कहीं कमी खलती है, कहीं आप दास प्रथा में चले जाते हैं, कहीं आप यहाँ आ जाते हैं, और आपकी जो रोमानियत है, जो लास्ट में गाना आता है, वो उस पूरे प्ले के तीखेपन को कम करता है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तीखे सवालों के साथ बाहर निकले। महेश भाई हमको आज से नहीं बहुत सालों से जानते हैं, और गर्व की पहली प्रति उन्होंने मुझे दी थी मेरे घर आकर के, और तब भी सवाल यही थे, और जो वर्ड्स है ना जो टिपिकल हिंदी के खास खास भारी भरकम बनाए हैं वो डिक्शनरी से निकाल 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 के और कई उर्दू में उसमें थोड़ी सी लय की कमी खलती है। ओ, ये शब्दों की हमें जो कहे, मैं इसको ये कहूंगा आशीष, उपयुक्त ये शब्द है, इसको 25 साल लगे महेश भाई के मुखमंडल से हम तक पहुंचने के लिए। तो ये भी हिंदी रंग जगत की एक हमारी बिजनेस की ट्रेडिशनल शेप से, स्ट्रक्चर से हट करके प्ले करते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट है। और उस स्ट्रक्चर में क्या है कि आप जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं वो है ही नहीं, हम ढूंढते ही, और एक आइडिया को, एक थॉट को लेकर के उसके डिफरेंट शेड्स दिखाना वो भी कोई आसान नहीं, और उसको प्रोड्यूस करना और भी मुश्किल है। ये मैंने पहली बार देखा था, लेकिन इसके ड्रॉबैक भी होते हैं, अगर सीक्वेंस क्या हो उस थॉट प्रोसेस का, गड़बड़ बोलने में तो हम चल जाता है, लेकिन एक के बाद दूसरा कौन सा होना चाहिए, तीसरा कौन सा होना चाहिए, वो डायरेक्ट होता है, वो नहीं होता। दोनों खूबसूरती, और दोनों ने बड़ी खूबसूरती के साथ, जिसे कहते हैं ग्रेस के साथ, सौम्यता जिसे कहते हैं आप, तो वो सौम्य थी व्यक्ति, और उन्होंने जो स्पीच थी, मैं तुम्हें कायल हो गया हूँ कि उन्होंने शुद्ध हिंदी को भी नाटकीय बनाया, नहीं तो नहीं बनाते, अटक जाते हैं, बहुत अटकते हैं लोग, उनको बोलना ही नहीं आता, और उन्होंने महसूस किया, और सबसे बढ़िया तो सिर्फ थॉट है, हम तो ऐसा क्यों तो है ही नहीं। मैंने दोनों से सवाल किया, मैंने कह रहा था क्यों नहीं, तुम्हें याद कैसे रहा, बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं बिना क्यों के, जो फिल्मों में कहते हैं क्यों देना भाई, तेरा क्यों देना, उसके बिना याद ही नहीं आता ना, बिना क्यों के यार उन्होंने याद किया लड़की ने, और बड़े ग्रेसफुल तरीके से लिखा, और विजुअल बनाए, क्योंकि वो फिर मैंने कहा ना कि सिर्फ सोच 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 आइडियाज 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 एक हफ्ते बाद आदमी ना थोड़ी सी कुछ आता है, लेकिन आपने जो कोशिश की थी एक आध बार वो जो कुछ लाइट सा गाना या कुछ बॉडी लैंग्वेज भी बनाने की, नहीं वो फैंटी भी चल जाती है उसके ना, वो लास्ट में जिसे कहते हैं ना वो सुतली बम की तरह ठा करके बजे, नहीं वो जैसे कहते हैं ना अभी नहीं फटा बम, अभी नहीं फटा बम, फटेगा तो अचानक फटेगा, बस वो फटेगा, वो बहुत मुश्किल है, वो प्ले राइट ही कर सकता था, और जैसे कैसा है ये कोई पागल ही लिख सकता है ऐसा प्ले, और पागल ही खेल सकता है, अब जब दोनों आदमी एक ही हो तो भैया वो कौन होता है, वो मंजूर भारद्वाज होता है, क्योंकि ये पागलपन वाले थॉट है, हर एक आदमी इजी वे शॉर्टकट, और आप शॉर्टकट रास्ते से जाते नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, पसंद है सारे, मैं इसका तारीफ करता हूँ, और होता है कई क्लाइमेक्स आते हैं, फिर ये शुरू कर देता था प्ले, फिर क्लाइमेक्स आया फिर शुरू कर दिया थे, कैसे करते हो
फ्यूडल सिस्टम के एंड वो जो कंज्यूमर और बायर का जो रिश्ता बना रखा है उन लोगों ने, वो उस कल्चर को डेवलप करने के लिए मैं सोशल मीडिया को कैसे करूँ? आप अपने टेबल यूँ यूँ चले ग्रोथ होती है, ग्रोथ कैसे हो? कन्वेंशनल है नहीं, प्रिपरेशन तो नहीं, सिचुएशन तो नहीं, थॉट है, थॉट को जिसे कहते हैं थीसिस क्रिएट। अगर वो वर्णन शामिल किए तो थीसिस क्रिएट, देखिए वो प्ले पर भी डायलॉग फॉर्म में, आपके डायलॉग फॉर्म में नहीं है, ए प्लस माइंड और ई माइंड हो जाता है, हम अट्रैक्ट होते हैं हैवी हो जाता है, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाए? तो आपको फिर कनेक्शन स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि अगर आज आप नौकरी लगाते हैं तो आपको बेचना है, सॉरी बेचने सबसे बड़ा क्योंकि इनवाइटीज हैं आपके लिए सारे, आप बैठिए मैदान में, आइए बाजार में, इंटरेस्टिंग बनाइए। तो दुबे ने किया था गई तो वो बॉम्बे जैसी जगह पर खड़ा होगा, आप खड़े हैं, आप कुछ साल बता रहे हैं, तो जब उसमें मैं खबर ही देखना चाहता हूँ, जब आप मार्केट में होंगे तो कॉम्पिटिशन ज्यादा सब अलग थलग नहीं, जंगल में दौड़ना चाहता हूँ उसने देखा वो भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अलग होना चाहिए थोड़ा सा मेरा कुटे बनाता है। अब आप उसी तरह मैं ये नहीं कह रहा कि मिडिल सुलर सेट में वुमेन वीमेन लव हेट सेक्स ये वो नहीं है, सेक्स भी बिकता है, पॉलिटिक्स भी बिकती है, तो बाबा भी बिकते हैं ना, ये इसको कभी कैच कर सकते, रिलीजन पॉलिटिक्स एंड सेक्स कहते हैं तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी फॉर्म में कैच नहीं कर सकते, आपने भी कैच नहीं, आप तीनों चीज़ों से और घूमते हैं, लेकिन दोनों को प्लेस को मिलाया जाए तो मुझे लगता है दोनों एक ही इनर की तलाश, अपने से टकराने की तलाश, हर बार हम अपने से टकराते हैं और हर बार हम अपनी तलाश करते हैं और अपने से सवाल करते हैं और खुद अपने से जवाब मांगते हैं कि यार ये जवाब क्या है और तुम कहाँ खड़े हो ये बता दें मुझे, उसके कई सवाल जवाब हैं आप देते हैं, इसका ये जवाब भी है, इसका ये जवाब भी है, और हम अपने जब जवाब देते हैं और हमें लगता है कि यार नहीं मैं गलत था, इसका जवाब तो ये होना चाहिए था। और आप हैं जो कबीर की तरह अपना घर जला करके रखते हैं, जो जाले अपना घर चले हमारे साथ, तो ये Eleven, 12, 13, 14, 15.